नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं भोबिया अमित कंफ्यूज हूँ, ना मैं कंफ्यूज हूँ ना ही मेरी टीम का कोई सदस्य है। जो कंफ्यूज है उसे आप देख लीजिए। राहुल जी को 2-3 दिन के लिए घर से दूर मध्य प्रदेश क्या जाना पड़ा, वो कंफ्यूज होने लगे हैं। पता नहीं उनके खाने पीने में किस चीज की कमी रह गई कि भाषण करते वक्त बार बार उनकी जबान फिसल रही है। कभी वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कह रहे हैं तो कभी कर्नाटक से राज्य होने का दर्जा ही छीन ले रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। देश का राष्ट्रपति आता है, लाल किले पर खड़ा होता है और देश को कहता है, भाइयों और बहनों, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले। और यूएस में या यूरोप में किसी से पूछे, भैया हिंदुस्तान के 4 शहरों का 5 शहरों का नाम लो, तो आपको कहेंगे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद कर्नाटक। खैर, इन सब के बाद आपको भी कपिल के शो कॉमेडी नाइट्स की याद नहीं आती होगी, लेकिन गंभीर विषय यह है कि 130 साल पुरानी कांग्रेस, जो आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या वो ऐसे व्यक्ति को जो बात बात में कंफ्यूज हो जाए, गलतियां करना जिसकी फितरत हो, उसे देश के प्रधानमंत्री का दावेदार बनाकर देश और लोकतंत्र दोनों को खतरे में नहीं डाल रही? राहुल का ये मजाकिया अंदाज हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि प्रधानमंत्री विदेशी जमीन पर भी अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने देश का पक्ष रखता है। वहां कंफ्यूज हो गए तो कैसे चलेगा? आपको बता दूं कि राहुल की यह कंफ्यूजन उन पर इस कदर भारी पड़ रही है कि इसके चलते उन पर मानहानि का मुकदमा भी चल रहा है। हाल ही में उन्होंने शिवराज के बेटे पर पनामा पेपर्स घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। हालांकि सच्चाई ये है कि शिवराज के बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं था। दरअसल पनामा पेपर्स में शिवराज नहीं, रमन सिंह के बेटे का नाम शामिल था, और राहुल ने भी बाद में बताया कि वो शिवराज के बेटे की जगह रमन सिंह के बेटे का नाम लेने वाले थे, लेकिन कंफ्यूज हो गए। हद तो तब हो गई जब राहुल ने भरी सभा में अपने सामान्य ज्ञान का ऐसा परिचय दिया कि सब दंग रह गए। नायक हवाई जहाज ने गिराया था, एचएल ने बनाया था, मिग हवाई जहाज ने, सुखोई हवाई जहाज ने, मिराज हवाई जहाज ने, एचएल ने बनाया था, नायक हवाई जहाज ने गिराया था, एचएल ने बनाया था, मिग हवाई जहाज ने, सुखोई हवाई जहाज ने, मिराज हवाई जहाज ने, एचएल ने बनाया था। अब आप ही बताइए, ये कंफ्यूजन है या ज्ञान का अभाव? साहब ने विदेशी फाइटर प्लेन्स को भारत द्वारा निर्मित बता दिया। अब आगे का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। जनता ही जनार्दन है, और आप ही बताइए कि क्या ये राहुल गांधी की कंफ्यूजन है या फिर ज्ञान का अभाव? और एक बात और, अगर आपको राहुल का भाषण लिखने वाला व्यक्ति मिल जाए तो मुझे जरूर मिलवाना, मैं उससे मिलने के लिए तत्पर हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अपने सुझाव दें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।